उज्जैन में अब नरवाई जलाना भारी पड़ सकता है। जी हां, खेतों में नरवाई जलाने का कृत्य जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। नरवाई में आग लगाने पर पुलिस द्वारा प्रकरण भी कायम किया जा सकता है। दरअसल तत्कालीन उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के किसानों से अपील की थी कि गेहूं और अन्य फसलों को काटने के बाद बचे हुए फसल अवशेष, जिसे नरवाई कहते हैं, उसे जलाना खेती के लिए आत्मघाती कदम है। वर्तमान में जिले में गेहूं फसल की कटाई लगभग शुरू हो गई है। गेहूं फसल की कटाई के बाद सामान्य तौर पर किसान नरवाई को जला देते हैं, जिससे संपूर्ण पर्यावरण में प्रदूषण के साथ साथ मिट्टी की संरचना भी प्रभावित होती है। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के नोटिफिकेशन में निषेधात्मक निर्देश व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रकरण तथा प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देश और उनके पालन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाना है। निर्देशों के उल्लंघन किए जाने पर व्यक्ति को नोटिफिकेशन प्रावधान तथा निर्देशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि देनी होगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 2 एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसान को ₹2,500 प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी। 2 एकड़ से अधिक लेकिन 5 एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान को ₹5,000 प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी। 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले किसान को ₹15,000 प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी। कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के उपरांत फसल अवशेषों में आग लगाने की घटनाओं को देखते हुए रबी की कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रा रिपर का उपयोग करके किसान अपनी फसल से अवशेषों से भूसा प्राप्त कर सकते हैं। खेत में गेहूं एवं अन्य फसलों के कृषि अपशिष्टों को जलाने से किसानों के खेतों में निम्न हानियां हो सकती है, जैसे भूमि में उपलब्ध जैव विविधता समाप्त हो जाती है, भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने के फलस्वरूप जैविक खाद का निर्माण बंद हो जाता है, कृषि की ऊपरी परत में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध नहीं रहते, भूमि कठोर हो जाती है जिसके कारण भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है और फसलें सूखती है, खेत की सीमा पर लगे पेड़ पौधे फल के वृक्ष आदि जलकर नष्ट हो जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, पर्यावरण के तापमान में वृद्धि होती है जिससे धरती गर्म होती है, कार्बन से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का अनुपात कम हो जाता है, केचुए नष्ट होते जाते हैं, इस कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। नरवाई जलाने से जल धन की हानि होती है।